ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस और आंसर देखते हैं। पहला ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहला, सबसे पहला सवाल यही हो सकता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। तो यह हार्डवेयर जो एक खाली मशीन है उसको यूजेबल बनाता है आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पर्पज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे पर्पज़ हैं वैसे तो। पहली चीज़ तो ये है कि ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि कंप्यूटर सिस्टम वो कंप्यूटेशनल एक्टिविटी को मैनेज कर सके आराम से। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसोर्स शेयरिंग है, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें वो परफॉर्म करता है। दूसरा ये है कि ये एनवायरनमेंट बनाएगा ताकि आप डेवलप कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें प्रोग्राम्स, खासतौर पर जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए ये वाली चीज़ बोलना आवश्यक हो जाता है। डिमांड पेजिंग क्या है? डिमांड पेजिंग का मतलब ये है कि आपके पास कोई चीज़ अभी नहीं है, यानी पेज नहीं है। तो डिमांड पेजिंग इज अ सिस्टम वेयर इन एरिया ऑफ मेमोरी दैट आर नॉट करंटली बीइंग यूज्ड। अभी आपके पास क्या है कि ये मेन मेमोरी है और यहाँ पर आपने कुछ देखा कि अरे ये तो अभी काम नहीं हो रहा है इसका, तो आपके पास ये जो सेकेंडरी डिस्क है उसको आप ये भेज देंगे, स्वैप कर देंगे, डिमांड पेजिंग। तो आप इसको वहाँ भेज देंगे और तब जरूरत आन पड़ेगी उसकी, जब तब इसे कॉल कर लेंगे, तब इसे बैक मंगा लेंगे। एडवांटेजेस क्या है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का? देखिए, जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जो उत्तर है उस सवाल में ही निहित होता है। जैसे मल्टी प्रोसेसर का एडवांटेज क्या है? मल्टी यानी बहुत सारे प्रोसेसर, यानी बहुत सारे प्रोसेस। तो बहुत सारे प्रोसेसर होंगे तो थ्रूपुट बढ़ जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस होंगे तो वो पैसा सेव करेंगे क्योंकि वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेसर एक फेल हो गया बाकी दूसरा काम कर रहा है तो रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से कर्नल अगर आपसे पूछा गया तो कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के होकर होता है। जैसे विंडोज का अपना कर्नल है, लिनक्स का अपना कर्नल है। तो कर्नल क्या होता है एक तरीके से, क्या कहेंगे कि ये बेसिस होता है जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। तो ये करता क्या है कि ये एप्लीकेशंस को एक्चुअल जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसे कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये कम्युनिकेशन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच में है उसको भी मैनेज करता है और यूजबिलिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। रियल टाइम सिस्टम क्या है? अगेन इसी सवाल में जवाब छुपा हुआ है। रियल टाइम मतलब आपका जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर प्रोसेसिंग की जो ऑपरेशन है उस पर आपने रिजिड टाइमिंग लगा दी कि देखिए साहब ये रिजिड टाइमिंग है, इसी में इसको होना है। तो आप डिफाइंड या वेल डिफाइंड होगा ये और फिक्स टाइम इसके कंस्ट्रेंट्स होंगे। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी फिर इसी सवाल में जवाब छुपा हुआ है। वर्चुअल मतलब जो कुछ है ही नहीं, मेमोरी ऐसी जो कुछ है ही नहीं, जो वर्चुअल है, छुपी हुई है। तो एक ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है वर्चुअल मेमोरी, जो प्रोसेसेस को मेमोरी के अलावा भी एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। जैसे कोई एक ऐसी एक आपके पास ऐसा प्रोग्राम है जो फिजिकल मेमोरी मतलब जो आपके पास मेमोरी है, मेन मेमोरी है जिसमें रन हो रहा है, जिसको प्रोसेसर डायरेक्टली बात करता है, उस पर चल ही नहीं पा रहा है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा है, तो उसके लिए वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है कि भैया हम हमारे पास लॉजिकल स्पेस, अभी सवाल आने वाला है आगे, हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है उसका हम लॉजिकल एड्रेस बनाते हैं, लॉजिकल एड्रेस में वो आराम से फिट हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको मेमोरी मेन मेमोरी में या फिर एक्चुअली फिजिकल एड्रेस में उसको लेके आते हैं और आराम से हमारा काम हो जाता है। दोनों की विन विन सिचुएशन हो जाती है, यूजर की भी और ऑपरेटिंग सिस्टम की भी, यस कंप्यूटर सिस्टम की भी। मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग अगेन मल्टी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम चला सके। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे आप प्रोसेसेस, अच्छा प्रोग्राम में बोल रहा हूँ तो अब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन वही प्रोसेस होता है, तो जब भी प्रोसेस या प्रोग्राम बोलूँ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, वो एक ही चीज़ होती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मतलब ये कंप्यूटर साइंस में होता ही है, प्रोसेस और प्रोग्राम एक ही होते हैं, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन प्रोसेस कहलाता है। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्टिव वो है कि आप बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चला सकें और आप सीपीयू का यूटिलाइजेशन वो बढ़ा सके। सीपीयू एक ऐसी चीज़ है जब तक चलती रहे तब तक आनंद आता है, तब तक उसकी वैल्यू है। सीपीयू खाली बढ़ जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं है सीपीयू की, तो सीपीयू चलता रहे उसकी यूटिलाइजेशन हम मैक्सिमाइज कर दीजिए। वो कैसे कर सकते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग का भी सवाल देखिए, बिल्कुल टाइम शेयरिंग में आ गया। ऐसे अगर आप मल्टीपल जॉब सीपीयू को दे रहे हैं, वो आपस में टाइम के हिसाब से इस हिसाब से स्विच कर रहे हैं
कि आपको सारे काम एक साथ हो जाएंगे, यानी कि एक किसी को एक सीपीयू ने एक टाइम दिया, फिर अगले में दूसरे को बुला लिया, दूसरे को टाइम दे दिया, तीसरे को बुला लिया, तीसरे को टाइम दे दिया, फटाफट फटाफट मल्टीटास्किंग कर रहा है वो, और सारे के सारे प्रोसेस चल भी रहे, फटाफट फटाफट चल रहे, तो आपका टाइम शेयरिंग भी हो गया, मल्टीटास्किंग भी हो गया, काम भी हो गया। तो मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग एक ही है। प्रोसेस इतने फास्ट हो रहे होते हैं कि कोई लैग नहीं हो रहा है होता है, और यूजर को ये पता रहता है कि अरे मेरा ही प्रोग्राम कर रहा है सीपीयू, जबकि सीपीयू बैकग्राउंड में टाइम शेयरिंग से बहुत सारे काम कर रहा होता है एक साथ। ये फायदा है इसका। SMP सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग, ये मल्टीप्रोसेसर सिस्टम में बहुत कॉमन है SMP। क्या इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसर है, जैसे P1 है, ये P2 है, दो प्रोसेसर है, ये अपनी एक कॉपी चलाता है OS की, अपनी एक कॉपी चलाता है ऑफिस OS की, और ये आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सर्वर सिस्टम किस तरीके से क्लासीफाई होते हैं? सर्वर सिस्टम आप कंप्यूटर सर्वर सिस्टम बोल सकते हैं, फाइल सर्वर सिस्टम बोल सकते हैं। कंप्यूटर सर्वर सिस्टम की बात करें तो एक यूजर के पास, एक क्लाइंट के पास इंटरफेस अवेलेबल होता है जिससे ये एक्शन कर सके, कंप्यूटर सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर सके। दूसरा ये है आपका फाइल सर्वर सिस्टम की बात अगर करें तो आप क्लाइंट के पास और भी चीज़ होती है कि वो क्रिएट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, अपडेट फाइल्स को कर सकता है, फाइल्स को। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग क्या होती है? अगर एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग का सवाल आ जाए, क्योंकि इसमें वो सवाल क्वेश्चन में आंसर छुपा नहीं है, ये थोड़ी ऐसी चीज है जो पता ही होनी चाहिए। इसमें क्या है कि आपके पास मशीन है एक ऐसा अभी सोती हुई है, मतलब हॉट स्टैंड बाय मोड में रखी हुई है, ये कुछ नहीं कर रही है अभी, ये तैयार तो है लेकिन ये कुछ कर नहीं रही है। लेकिन ये जैसे डॉग होता है, डॉग देखिए जब वो सो रहा होता है तो उसकी नींद कैसी होती है, जरूरी सी आवाज़ होगी एकदम जग जाता है, इसी तरीके से आपका एक मशीन है वो अभी सो रही है लेकिन एकदम तैयार है, जैसे कहीं कुछ गड़बड़ होगी वो उसको टेक ओवर कर लेगी। तो दिस मशीन टेक्स एक्टिव सर्वर्स हो, ये एकदम एक्टिव सर्वर बन जाएगी अगर बाई चांस आपका सर्वर फेल होता है, इसे हम एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग कहते हैं। अब थ्रेड क्या है? ये बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा पसंदीदा सवाल है थ्रेड और प्रोसेस के बारे में जानना और पूछना, क्योंकि जिन जो आपसे पूछ रहे हो उनसे भी यही थ्रेड और प्रोसेस जरूर पूछा गया होगा। थ्रेड एक बेसिक यूनिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन की, इसको थ्रेड को हम लाइटवेट प्रोसेस बोल सकते हैं। प्रोसेस जो होता है वो एक प्रॉपर एक प्रोग्राम है जो अंडर एग्जीक्यूशन है। अब प्रोग्राम, ये जो प्रोसेस है, ये क्या कर सकते हैं? अपने और छोटे छोटे प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, जिन्हें हम थ्रेड बोलते हैं। अब प्रोसेस के लिए क्या है कि सीपीयू को सारे काम करने पड़ते हैं, प्रोसेस के लिए एक कंट्रोल ट्रांसफर करना पड़ता है, उसके लिए शेयर मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन थ्रेड के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। थ्रेड क्या होता है? बेचारा सा छोटा छोटा सा होता है, वो उस बारे सारे रिसोर्सेज शेयर कर लेता है आपस में और फटाफट चलता रहता है। इससे क्या होता है कि एक थ्रेड के पास आईडी होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर सेट होता है, स्टैक होता है, बस अपना इतना ही होता है, बाकी तो शेयरिंग पे काम करता है। और इससे क्या होता है कि एक ही प्रोसेस बहुत सारे थ्रेड अगर जनरेट कर दे तो फटाफट काम हो जाता है। अभी देखिए इसका फायदा भी देखिएगा, मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग, सब बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। मल्टी थ्रेडेड मतलब बहुत सारे थ्रेड जब होंगे तो बेनिफिट्स क्या होगा? अब उसी की बात सोचिए, जो जो मैंने बताया उसी वही चीज़ें इसमें आप लगा दीजिए। बहुत सारे थ्रेड होंगे, थ्रेड एक साथ काम कर सकते होंगे और तो रिस्पॉन्सिबनेस जल्दी आएगी। एक प्रोसेस पूरा काम बन के रिजल्ट देगा, इससे अच्छा थ्रेड फटाफट देता रहे तो रिस्पॉन्सिबनेस जल्दी आएगा, रिस्पॉन्स जल्दी आएगा। रिसोर्स शेयरिंग विद इन द प्रोसेस, प्रोसेस है, प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस अपना अपना वो एरिया बनाते हैं, लेकिन थ्रेड को इसकी जरूरत नहीं है। थ्रेड क्या करेगा? रिसोर्स शेयर कर सकता है, इकोनॉमी और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसिंग है। थर्ड अलग अलग प्रोसेसर पे काम कर सकता है और आराम से ये फायदे हो सकते हैं। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर, अगर ये पूछ गया तो देखिए CPU क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो आपके प्रोसेसर्स को लेता है और आपको प्रोसेसर को देता है, लेकिन उसके लिए उसको शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं, उसको कैसे करेगा? वो क्या करेगा? लाइन में खड़ा करके बोले चलो पहले तुम आओ, पहले तुम आओ, पहले तुम आओ। तो लाइन में खड़ा करके अगर क्यू के हिसाब से कर दिया तो उसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर कहते हैं। वो पहले को लेगा, पहले को सर्व करेगा, फिर उसके बाद दूसरे पे जाएगा, जैसे हम फर्स्ट कम से फर्स्ट सर्व आते हैं। इसी तरीके से अगर यही चीज़ अपने क्वेश्चन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के लिए पूछ लिया गया तो शेड्यूलिंग यही है। राउंड रॉबिन में क्या है कि वो राउंड ऐसे होता है, किस तरीके से वो क्या करेगा कि सब जो रेडी क्यू में लगे हुए हैं उनमें से एक उठाएगा, उसको एक समय के लिए कर लेगा, फिर उसको वेटिंग स्टेट में छोड़ देगा, मतलब आप थोड़ा रुकिए हम अगले को समय देते हैं, फिर अगले को कर लेगा, फिर उसको रोक देगा, फिर तीसरे को समय देगा, ऐसे ऐसे राउंड राउंड में चलता रहेगा। तो सारे के सारे आपका प्रोसेसिंग भी सबकी हो रही है, प्रोसेसर का टाइम भी सबको मिल रहा है और सारे के सारे आपके एक तरीके से एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, तो ये राउंड राउंड शेड्यूलिंग हो गया। क्या नेसेसरी कंडीशन है जो डेडलॉक सिचुएशन बना देगी?
डेडलॉक सिचुएशन के लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीजें एक साथ हो गई तो आप समझ लीजिए कि डेडलॉक आ गया। पहला तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। इसको मैं डिटेल में कभी और बताऊंगा, लेकिन ये चार चीज आप रख लीजिए। डिफरेंट रेट लेवल्स क्या होते हैं? डिफरेंट देखिए रेट लेवल्स, या ये तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन इससे पहले आप रेट समझिए। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क बोल सकते हैं, इनएक्सपेंसिव डिस्क बोल सकते हैं इसको। तो रेट का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से स्कीम बना रहे हैं कि कहीं अगर बाई चांस कोई फेलियर होता है, कहीं कुछ नुकसान होता है, तो आप वो जो डेटा आपका है उसको रिकवर कर सकें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उस जो डेटा है वो आपका इंटैक्ट रहे। उसके लिए रेट जीरो है। नॉन रिडंडेंट स्ट्राइपिंग मतलब आप स्ट्राइपिंग कर देते हैं डेटा की, और नॉन रिडंडेंट होती है। नॉन रिडंडेंट मतलब नॉन रिपीटेटिव। मिरर डिस्क होती है, मतलब एक यहाँ पर डिस्क है उसकी मिरर डिस्क आपने बना दी। और मेमोरी स्टाइल एरर कोडिंग कोड्स है, मतलब आपके पास एरर कोडिंग भी आ गई इसके अंदर। आप बिट इंटरलीव्ड पैरिटी, ये बिट लेवल, ब्लॉक लेवल और ब्लॉक इंटरलीव्ड विद डिस्ट्रीब्यूटिव पैरिटी, ये आपके अलग अलग रेट्स हो गए। और पी प्लस क्यू रिडंडेंसी और एक अपना एक अलग एक स्कीम है। असली मुद्दा ये है कि आपका आप इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं अलग अलग डिस्क में कि किसी जगह एक अच्छा हर इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा डिस्क लगेंगी, क्योंकि आपको डेटा सेव करना है और उसको बाद में रिट्रीव भी करना है। तो एक तो तरीका क्या है कि आपके पास दो डिस्क है, एक डिस्क में आप डेटा मतलब काम करते रहे, दूसरे डिस्क में उसी को सेव करते रहे, है ना, एक ये तरीका है। दूसरा क्या है कि आप एक लें, दूसरे को आपने कुछ एरर कोड जनरेट कर दिए, तो अब क्या कोई एरर आएगा तो वो एरर कोड लेके आपका कर सकता है उसको रिजनरेट। ऐसे अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है उन्हें हम रेट्स कहते हैं। बैंकर एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है। बैंकर एल्गोरिथम मतलब देखिए, बैंक इतना पैसा रखे कि अगली बार उसके पास कोई अगर मुलाजिम वो कस्टमर आए तो उसको वो पैसा दे सके। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे आपके रिसोर्सेज हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, रिसोर्स उन्हीं इतने देगा प्रोसेसेस को, जिससे जो और प्रोसेस आने वाले हैं उनके लिए वो सेफ में कुछ मनी रख सके, पैसा रख सके, कुछ रिसोर्सेज रख सके। इसे बैंकर एल्गोरिथम कहते हैं। और बैंकर एल्गोरिथम किससे यूज होता है? डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। What factors determine whether a detection algorithm must be utilized in a deadlock avoidance system? कौन से फैक्टर ये बताते हैं कि आपको डिटेक्शन एल्गोरिथम लगाना है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए? उसके लिए आपको देखिए, जो भी आपका किस तरीके से डेडलॉक कितनी फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहे हैं, पहले तो ये सबसे पहली चीज देखनी पड़ेगी। और कितने जो आपके प्रोसेसेस अफेक्ट हो जाएंगे अगर डेडलॉक, जब आप व्हेन दिस एल्गोरिथम सप्लाई, ये डेडलॉक अगर हो जाएगा तो कितने सारे प्रोसेस अफेक्ट होंगे, दो चीज़ें देख लीजिए इसमें हमने। एक तो ये है कि कितने बार डेडलॉक हो रहे हैं और कितने इस डेडलॉक से प्रोसेस अफेक्ट होंगे, तब आपको डेडलॉक एल्गोरिथम डेडलॉक अवॉइडेंस सिस्टम में लगाने की बात करेंगे। लॉजिकल स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको लॉजिकल और फिजिकल के बीच में अंतर नहीं पता है तो बाकी सब आप चाहे वर्चुअल मोबाइल बता दो, चाहे कोई और चीज़ बता दो, आप मतलब वो इंटरव्यू समझ जाएगा कि नहीं इससे थोड़ा सा कुछ कमी है, तो समझिएगा इसको। लॉजिकल एड्रेस वो होता है जो CPU जनरेट करता है, वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे कितनी बढ़िया मेमोरी, कितनी सारी मेमोरी है मेरे पास। जबकि जो फिजिकल मेमोरी है, जो मेन मेमोरी यूनिट देख रही है, वो आपका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस वो होता है जो एक्चुअल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस जो है वो बनाया गया एड्रेस है। तो अगर इसके साथ एक ऐसा इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको और समझाऊंगा। अब डायनेमिक लोडिंग किस तरीके से मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन को मदद करता है, इसमें क्या है कि रूटीन तब तक नहीं लोड किया जाएगा जब तक उसकी जरूरत नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा कोड है, लार्ज अमाउंट ऑफ कोड है, तो कैसे करेंगे इसको? तो उसमें आप तब तक नहीं बुलाएंगे उन रूटीन्स को जब तक उसकी जरूरत नहीं होगी, हम डायनेमिक लोडिंग कहते हैं। ओवरलेज क्या होते हैं? ओवरलेज का तरीका यह है कि अगर प्रोसेस जो कि मेमोरी एलोकेशन से बड़ा है उसको आप एलोकेट कर सके, तो मान लीजिए आपका ये जगह इतनी है और आपका प्रोसेस इतना बड़ा है, तो फिर कैसे एलोकेट करेंगे? अगर आप एलोकेट कर सके तो उसे हम ओवरलेज कहेंगे। बेसिक आइडिया इसके पीछे ये है कि हम केवल इसका इंस्ट्रक्शन और डेटा लेके आएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी।
आर कैप्टन बनोगी और किसी भी गिवन टाइम में केरिस के इंस्ट्रक्शन से डेटा लाएंगे और फिर रखेंगे और उसके बाद ये ओवरलेइंग से आपका जो बड़ा प्रोसेस है वो भी रन कर जाएगा आपकी कम जगह पे। बेसिक फंक्शन क्या है पेजिंग का? पेजिंग एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, वो परमिट करती है कि फिजिकल एड्रेस स्पेस, अभी मैंने आपको बताया जो फिजिकल एड्रेस स्पेस, उनको वो दैट परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कि उसको ये मेमोरी है। अब आपको क्या है कि अरे मेरा तो यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है, मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, लेकिन ये क्या कर देगा पेजिंग, ये बोलेगा देखिए साहब एक यहाँ रख लीजिए, एक पेज यहाँ रख लीजिए, एक पेज यहाँ रख लीजिए, तो नॉन कंटिन्यूअस में भी वो अलाउ कर देगा। तो जो फिक्सिंग, जो फिक्सिंग चाहिए ना कि एक भैया हमको इतना जगह चाहिए कि हम उसको फिक्स कर सके एक जगह पे, उससे बच जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो खाली जगह उस पर काम हो जाएगा, इसे हम पेजिंग कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन का सीधा मतलब है कि मेमोरी का वेस्टेज, इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक एरे बनाया आपने, ठीक, एक मेरे एरे बनाया 100 नंबर का, 10 वैल्यू डाल दी, 90 तो वेस्ट हो गया ना, 90 में कुछ नहीं डाला आपने, इसे हम इंटरनल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एक्सटर्नल क्या होगा? तो वो अगर उन सिस्टम से हम डील कर रहे हैं जहां पर वेरिएबल साइज एलोकेशन यूनिट है, वेरिएबल साइजिंग एलोकेशन यूनिट है, उसे हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हाउ डज स्वैपिंग रिजल्ट्स इन बेटर मेमोरी मैनेजमेंट? स्वैपिंग किस तरीके से आप बेटर मेमोरी मैनेजमेंट में मदद करती है? During regular intervals, there are set of operating system processes can be copied from main memory to backing store. ये main memory हो गया, छोटी वाली memory, और ये बड़ी हो गई backing store. तो क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे और जब जरूरत होगी वापस ले आएंगे, है ना। अब जब इसको यहाँ जब जरूरत नहीं है तो यहाँ ले आए और फिर वापस इसको जब जरूरत होगी तो ले आए, तो इससे क्या होगा कि जब इसको जो इसकी जरूरत नहीं थी निकाल दिया तो जो जरूरत मंद है उसके लिए जगह बन गई, बस इसी तरीके से फायदा हो गया हमारा, शॉपिंग में बढ़िया मैंने मेमोरी मैनेजमेंट बना दिया है। प्रोसेस स्टेट क्या है? प्रोसेस स्टेट जैसे मैंने बताया, प्रोसेस के बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं। एक तो नया स्टेट है, प्रोसेस अभी क्रिएट हुआ है, रन कर रहा है यानी इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं, वेट कर रहा है यानी कोई कंडीशन या इवेंट के लिए वेट कर रहा है, रेडी है, इसका मतलब यह है कि ये वेट कर रहा है प्रोसेसर के द्वारा, प्रोसेसर बोल रहा है ठीक है जरा। और टर्मिनेट है मतलब ये कि ये हो गया इसका काम, अब ये इसमें शान बैठा हुआ है, मतलब टर्मिनेशन कंडीशन। सॉकेट क्या है? सॉकेट आप समझ लीजिए कि ये कनेक्शन देता है दो एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन वन है या एप्लीकेशन टू है, यहाँ पर सॉकेट S1 है या सॉकेट S2 है, इनके बीच में कम्युनिकेशन की बात सॉकेट से हो रही है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड क्या होता है? ये डिस्क मॉडल है, मतलब जो फाइल का डिस्क मॉडल है। तो हमारे पास क्या है कि फाइल को हम एक तरीके से आपका ब्लॉक या रिकॉर्ड में देखते हैं, तो हम आर्बिट्ररी नंबर मतलब अपने मर्जी के नंबर ब्लॉक्स को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो अगर हम ब्लॉक के रूप में उसे देखते हैं तो हम हमारे पास एडवांटेज होगा कि हम बहुत सारा डेटा एक साथ उठा सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट एक्सेस मेथड कहते हैं। व्हेन डज थ्रेशिंग ऑकर? थ्रेशिंग का मतलब ये होता है कि जो डिमांड पेजिंग या पेजिंग की बात हमने की, तो जो काम है, जो सिस्टम है, वो असली काम छोड़ के एग्जीक्यूशन का वो क्या कर रहा है, पेजिंग में लगा हुआ है, पेज को लाना, पेज को रखना, पेज को लाना, पेज भी रखना, तो ये थ्रेशिंग हो गया, और थ्रेशिंग मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, बेस्ट साइज क्या है अगर आप डिजाइन करना चाहें ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो बेस्ट पेज साइज क्या होगा? देखिए सवाल बिल्कुल सब्जेक्टिव है, ऐसा कोई इसका जवाब नहीं हो सकता, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, और जो पेज टेबल है, पेजिंग टाइम है, ओवरऑल एफिशिएंसी, ये सारे ये जो चीज़ है ना, ये सारी ओवरऑल एफिशिएंसी पे असर डालेगी, तो ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। अब अगर आपको व्हेन डिजाइनिंग अ फाइल स्ट्रक्चर फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट एट्रीब्यूट्स आर कंसीडर्ड, अगर आपको डिजाइन करना है एक फाइल स्ट्रक्चर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो क्या क्या आपको देखना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा जो अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर के है, उसमें नेम क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कौन से सपोर्टेड फाइल्स टाइप है, क्या लोकेशन है उन फाइल्स का, क्या साइज है, क्या लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, ये सब चीज़ें आपको, ये एट्रीब्यूट्स है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको देखना पड़ेगा। रूट पार्टीशन क्या, व्हाट इज रूट पार्टीशन? रूट पार्टीशन वो जगह है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल रखा हुआ है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स भी रहती हैं,
जो माउंट बूट टाइम के समय माउंट होती है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स मतलब ये है कि आप अलग अलग डिवाइस सिस्टम पे लगाते हैं, अपनी सिस्टम का काम क्या है उनको पढ़े, उनको जाने और आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। तो डिवाइस ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो आपकी डिवाइस को ड्राइव करेंगे और उसको नोन कराएंगे आपके पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में, और एक तरीके से दैट सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे। VFS क्या है? VFS है वर्चुअल फाइल सिस्टम। VFS इज वर्चुअल फाइल सिस्टम। इट्स सेपरेट फाइल सिस्टम जेनरिक ऑपरेशन फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन बाय डिफाइनिंग अ क्लीन VFS इंटरफेस। VFS इंटरफेस एक क्लीन VFS इंटरफेस हो गया, और ये सेपरेट फाइल सिस्टम जेनरिक ऑपरेशन जो फाइल सिस्टम के जो भी ऑपरेशन हो सकते हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उनको बिल्कुल अलग करता है। और ये एक इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अ फाइल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। जो वी नोड है, एक वी नोड एक फाइल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर का उस पर बेस्ड है, जिसमें विच कंटेन्स अ न्यूमेरिकल डिजिग्नेटर नीडेड टू सपोर्ट नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो उसमें न्यूमेरिकल डिजिग्नेटर होता है ताकि नेटवर्क फाइल सिस्टम भी एक तरीके से मैनेज या हैंडल किया जा सके। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ CPU रजिस्टर्स इन अ टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन? CPU रजिस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपके एक्यूमुलेटर्स हैं, इंडेक्स रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर्स है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। पर्पस क्या है? इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन का, ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताते हैं। यानी कि इनपुट आउटपुट ये अभी किस स्टेट में, ओपन है, क्लोज है, एक्टिव है, रेडी है। आपने देखा होगा जब हम प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए खोलेंगे तो आपका जो प्रिंटर है कहीं एक बार रेडी में दिखाएगा कि किसी बार आइडल दिखाएगा, तो वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। एक साथ बहुत सारे अगर एप्लीकेशन आप चला सकते हैं एक ही टाइम पे, तो उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। लेकिन जो एक एप्लीकेशन है वो एक बार में एक ही एक्टिव रहता है, बाकी सब बिहाइंड द सीन काम करते रहते हैं। प्रोस और कॉन बताइए कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। सबसे बड़ी बात चीज़ है कि आपको कमांड को रटना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सबसे बड़ा यही है इसमें प्रोस। और कौन यही है, और प्रोज क्या है? प्रोज मतलब ये जिनको अच्छा लगता है, जिन जो एक्सटर्म है वो इसमें करते हैं। और कैशिंग क्या होती है? कैशिंग आप जरूर सुना होगा, L1 कैशिंग, L2 कैश, L3 कैश। ये कैश जो होता है ना, ये मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में एक मेमोरी होती है, एक और मेमोरी। इसमें क्या होता है कि आपने जो रिसेंटली यूज जो भी आप मेमोरी मेन मेमोरी से प्रोसेसर में जा रहा है ना, वो आप इसमें रख देते हैं। तो एक तरीके से ये क्या कहेंगे आपका एक जैसे क्या कहूँ मैं इसको, जहाँ पर से आप मान लीजिए आप अपने टेबल पर बैठे हुए और बार बार आप पेन यूज़ करते हैं, कॉपी यूज़ करते हैं, तो पेन और कॉपी आपने टेबल पर रख दिया। तो कैश को समझ लीजिए कि पेन और कॉपी वो टेबल है जहाँ पर पेन और कॉपी रख दिया है ना। और जैसे आप चाय पी रहे हैं, कप लेके आ रहे हैं, तो वो चाय का कप जो है वो उस समय रख दिया, फिर उसको हटा दिया, लेकिन जो पेन और वो रहेगा ना वही रहेगा। तो इस तरीके से कैश आप ये आपके एग्जीक्यूशन को और फास्ट बना देता है, ये बार बार जो मेन मेमोरी से लेने वाला जो काम है थोड़ा खत्म हो जाता है। स्पूलिंग क्या होता है? खासतौर पर प्रिंटिंग के साथ है। अब आपका ये प्रिंटर है, बहुत सारे यहाँ पर किसी ने फायर कर दिए आपके प्रिंटिंग के इंस्ट्रक्शंस या रिक्वेस्ट, तो ये क्या करेगा, सबको स्पूल कर लेगा, एक क्यू में रख देगा, इसे स्पूलिंग कहते हैं। असेंबलर क्या है? असेंबलर ये होता है, पहले कंपाइलर समझिए। कंपाइलर जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है ना, आपका C++ या हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा, इसे कंपाइलर कहते हैं। अब असेंबलर का क्या काम है? अब आपके हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में एक असेंबली लैंग्वेज होती है। जैसे 885 गांव का की किताब पढ़ी होगी आपने, तो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है वो असेंबलर कहलाता है। अब इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट्स मतलब ये होते हैं कि ये एक हार्डवेयर मैकेनिज्म का पार्ट है जो CPU को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई हमें आपका ध्यान चाहिए आपका, या हमें कोई पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, मास्केबल या अनमास्केबल। मास्केबल को प्रोसेसर थोड़ी देर के रोक सकता है, लेकिन नॉन मास्केबल को नहीं रोक सकता। जैसे ट्रैप आ गया, ट्रैप करके एक होता है जो नॉन मास्केबल है, वो आएगा तो प्रोसेसर को सारा काम छोड़ के उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट इज GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये कमांड लाइन का उल्टा है। कमांड लाइन में तो आप एक काली स्क्रीन आती है, ब्लू स्क्रीन आती है, उस पर लिखते हैं कमांड और काम करता है, जबकि GUI है उसके सामने काली वगैरह स्क्रीन की जरूरत नहीं है, कमांड रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास माउस है, क्लिक करते रहिए, आपका काम होता रहेगा। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग क्या होती है?
अब मल्टीटास्किंग क्या है कि एक बार सिस्टम किसी पे काम कर रहा है तो करता रह रहा है, उसको रोक नहीं सकते। प्रीएम्प्टिव का मतलब यह है कि आप उस प्रोसेस के कंप्लीशन के पहले भी उसे रोक सकते हैं, इसे हम प्रीएम्प्टिव कहते हैं, रोक के। तो हम एक नॉन प्रीएम्प्टिव होती है, प्रीएम्प्टिव होती है मल्टीटास्किंग। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो वो प्रोसेस पूरा होगा तभी आप तभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रीएम्प्टिव मतलब उसको बीच में रोक सकते हैं। व्हाई इज पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग अ प्रीरिक्विजिट ऑफ इंस्टॉलिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम? पार्टीशनिंग और फॉर्मेटिंग के क्यों एक प्रीरिक्विजिट है अगर आपको इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये एक एनवायरनमेंट बनाता है, एक तरीका है इसका, है ना, आपका जिसे ये पूरा जो ड्राइव है या उसको एक ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें चीज़ें रख सके और अपना एक ड्राइव नेम होगा और अप्रोप्रिएट फाइल स्ट्रक्चर माउंट करेगा, ये सारे के लिए आपको पार्टीशनिंग और फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। प्लम्बिंग और पाइपिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस है यूजिंग द आउटपुट ऑफ वन प्रोग्राम एज ए इनपुट टू अनदर। एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे प्रोग्राम का इनपुट, ये प्लम्बिंग और पाइपिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो जैसे इसको मैं थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, कोई मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा पूछा जाएगा। NOS ये थोड़ा सा है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऑपरेटिंग अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया RTOS है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है ताकि कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सके, जो बहुत सारे डिवाइसेज जो नेटवर्क पे है, जिसमें फाइल फोल्डर शेयरिंग भी है, वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, इंटरनल कमांड बिल्ट इन कमांड होते हैं, एक्सटर्नल कमांड जो आप बाहर से चलते हैं, जो बिल्ट इन नहीं होते, जो कमांड आप एक तरीके से प्रोग्राम करते हैं। कौन सा डॉस में आप कौन सा कमांड चलाएंगे, आप जब आपको पूरी लिस्ट चाहिए फाइल्स की, ये जो डायरेक्टरी में हो, डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स है उसकी लिस्ट चाहिए, और साथ में आप चाहते हैं कि पॉज भी करें स्क्रीन को, वरना तो अगर बहुत सारी फाइल होगी तो एकदम से स्क्रोल कर जाएगा, आपको आखिरी चीज़ दिखाई देगी, ऊपर की निकल जाएगी। तो उसके लिए देखिए डायरेक्टरी /w विथ वाई, सॉरी है आपका p पॉज के लिए, ये वाला होगा पॉज के लिए। ये बहुत पुराना सवाल है, मैंने इसको किससे रखा है कि थोड़ा सा आपको लगे कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था। हाउ डू फाइल नेम दिस फाइल नेम अपीयर व्हेन व्यूड अंडर द डॉस कमांड? डॉस कमांड के कंसोल पे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज एंटी पर चला रहे हैं तो कैसे दिखाई देगा? अब डॉस में क्या है कि ये 8 ही ले सकता है, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल के बाद ये एक टिल्डे लगा के बंद कर देगा बस, तो 8 करेक्टर है इसलिए ये फाइल।